आज आप पार्टी को, जो आप पार्टी की नॉर्थ हरियाणा की युवा की हेड है और उनका जो आईटी सेल है उसकी भी हेड है रेणु राणा जी, जो आज आप पार्टी को छोड़कर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुई, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ले भाई पटके दे। आज इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसका दामन थामा है, क्योंकि हरियाणा में जो हरियाणा की राजनीति में एक सबसे बड़ा महायोगदान जो रहा है वो किसान के मसीहा माननीय ताऊ देवीलाल जी का, जो उन्होंने बुजुर्गों के लिए हरियाणा वासियों के लिए इतने काम किए हैं, जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि इतने महान काम उन्होंने किए हैं। और उसी पार्टी के फाउंडर ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा, और अभय ही सत्य जो कि मैं लोगों से सुनती थी, तो किसानों के समर्थन में अभय चौटाला जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था उसी दिन मैं उनके स्वभाव से बड़ी प्रभावित हुई थी कि ये वही व्यक्ति है जो ताऊ देवीलाल जी के सपनों का हरियाणा, जो उन्होंने काम किए थे ताऊ देवीलाल जी ने, उसी हरियाणा को उसी मुकाम पर फिर से लेकर जाना वो सब अभी ही अभय चौटाला जी कर सकते हैं, जिसके कारण मैंने अभय जी के साथ मिलकर हरियाणा के विकास और उत्थान के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो चलने का प्रण लिया है, आज चंडीगढ़ में उनके साथ ज्वाइन किया। मैं एक अपने हरियाणा के उत्थान के विकास के लिए बहुत सारे काम करना चाहती थी, एनर्जी काफ़ी है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मुझे उनका ये फील हुआ कि शायद ही इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन हरियाणा पॉलिटिक्स, तो मुझे मेरे हरियाणा की चिंता है। जो व्यक्ति मुझे हरियाणा की चिंता करते हुए अभय चौटाला जी नज़र आए, तो मैंने उनका हाथ पकड़कर उनके साथ जो है अपने हरियाणा के उत्थान के जो विकास के लिए कार्य है उनके साथ चलने का प्रण लिया है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो चौटाला परिवार है इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है, और इनके कार्यकाल में जो है जनता को हर तरह की मूलभूत सुविधाएं मिली थी। लेकिन अब जिस तरीके से जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार जो हरियाणा की भाजपा सरकार है, वो कहीं ना कहीं जो है तानाशाही कर रही है, और हम किसानों पे देख ही रहे हैं कि किसानों के साथ कैसे उनकी बर्बरता की जा रही है, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है। तो अभय चौटाला जी ही एक ऐसे व्यक्ति मुझे नजर आए हैं कि जो संविधान की भी रक्षा करेंगे और अपने हरियाणा के लोगों का की भी रक्षा करेंगे।